खास तो खैर हैं ही, लेकिन सारे मेहमान खास होते हैं, लेकिन इस मेहमान के बारे में अगर बहुत मुख्तसर में ये कहा जाए तो मुनासिब ही होगा कि फूलों के शहर बेंगलोर में एक बहुत खूबसूरत कली खिली और बहुत जल्द उस कली के हुस्न का चर्चा जो है सारे ये कहना चाहिए यूनिवर्स में फैल गया। और जाहिर है कि जब उनकी हुस्न का, उनकी सूझबूझ और समझदारी का चर्चा यूनिवर्स तक पहुंच जाए तो यूनिवर्स के बाद कौन सी जगह आती है? मुंबई। तो मुंबई तक आया है हमारा ये दोस्त और उसका अंदाज़ भी बहुत निराला था। और मेरा ख़्याल है कि हम उनके बारे में कुछ छोटी मोटी बातें करें उनसे, उनको बुला लेते हैं, ठीक है ना? तो मैं आवाज़ देता हूँ कि फ़ौरन मुंबई आए हुए हमारे दोस्त अपने ख़ास अंदाज में तशरीफ़ लाएँ। आइए लारा दत्ता। आप चाहे तो बैठ सकती हैं, चाहे खड़े रह सकती हैं। लारा, दरअसल क्या है कि हम लोग बहुत दिन से इंतज़ार कर रहे थे कि किस वक्त आप फ्री हों और आप तशरीफ़ लाएं, लेकिन सुनने में आता था कि कभी आप पहाड़ों पर चढ़ रही हैं, कभी रेगिस्तान में बल खा रही हैं, तो आपको पकड़ पाना बहुत मुश्किल था। तो अब आप हाथ लग गई हैं तो जी भर के बातें करते हैं। दादा साहब यहाँ आ जाइए, आपसे सर अभी पीछे कुछ आवाजें आ रही हैं। जी हाँ बिल्कुल, मिसेस दत्ता की तो हो नहीं सकती, तकरीबन आप ही की होगी। जरूर सर, इस आवाज का राज क्या है? पर ये क्या आवाज है? इसको आप बैटल क्राई कह सकते हैं, जो कि ना जंग में जाने के टाइम पे ललकार। ओ जी 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 जी। तो ये जब छोटी सी थी, 16 साल की थी, पहली बार एक कॉन्टेस्ट में आ रही थी बॉम्बे, ब्यूटी कॉन्टेस्ट। हाँ, तो जब मैंने इसको एयरपोर्ट में जाते हुए देखा सिक्योरिटी के अंदर, तो थोड़ी सी घबराई हुई सी नजर आ रही थी ये। लारा दत्ता? हाँ, 16 साल की थी ना, पहली बार घर छोड़ के बॉम्बे आ रही थी। तो मैंने कहा बेटा इधर आओ, मैंने इसका मुंह पकड़ा ऐसे, मैंने कहा कुछ शक है, कुछ डर है? नहीं डैडी। मैंने कहा सुनो, तू मेरी शेरनी है, सांस भर के अंदर से वाम कर जरा जोर से और देख तेरा पूरा डर निकल जाएगा। मिस दत्ता, क्या ये शुरू ही से ऐसी थी कि जो दहाड़ मारे और खूब शोर मचाए? और नहीं नहीं, शी वाज अ वेरी गुड चाइल्ड। नहीं, एक्चुअली मैं आपको एक बात बता दूं कि मैं सबसे छोटी हूं। हाँ, तीन लड़कियों में से सबसे छोटी। अच्छा, तीन बेटियां। हाँ जी जी। हाँ, और आप सबसे छोटी। हाँ, और मम्मी पापा ने शायद सोचा था कि इस बार लड़का होगा। क्यों? अफसोस की बात है, लड़का नहीं हुआ। खुदा का शुक्र है कि नहीं हुआ। तो लोग और लाला दत्ता देखने शुरू हुए। सही बात है। इसलिए जब तक मैं आ गई तो मम्मी दोनों बड़ों से तंग होकर उसने कहा कि नाउ यू आर योर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो मैं आई ग्रो अप लाइक अ बॉय, मैं काफी टॉम बॉयश थी आई थिंक। ये जो चूंकि अभी तक तो लाला की बातें हो रही थी और वेरी स्वीट, वेरी नाइस, वेरी गुड, उसने कहा वाज अ टॉम बॉय, मैं जरा और थोड़ी सी अंदर की बातें निकालता हूँ, किसी और को बुलाता हूँ। प्लीज तशरीफ लाइए। हाय शेरिल, प्लीज आइए। अच्छा लारा, अब आप भाग मत जाइएगा। जी नहीं। शेरिल जो है लाला की बड़ी बहन है
और लारा के बारे में वो बातें जानती हैं जो इनके माता पिता तो जानते ही होंगे लेकिन हमको बता नहीं रहे थे। तो शेरिल से ज़रा कुछ अंदर की छानबीन करते हैं। शेरिल, आप लारा से कितनी बड़ी हैं उम्र में? 6 साल। 6 साल बड़ी हैं। और आप क्या करती हैं शेरिल? मैं एयरफोर्स में हूँ, आई एम अ पायलट। जी हाँ, इसलिए मेरी करियर बहुत से वाव भरे हुए सर। मैं कह रही हूँ आपसे, ये मेरी करियर छीन ली इसने। इरादा था कि मैं पायलट बनूंगी। मैं ये किस्से को जरा आगे बढ़ा रहा हूँ। दिस थिंग्स आर गेटिंग अ लिटिल इन मोर इंटरेस्टिंग। हम कुछ तस्वीरें देखते हैं और फिर वहां से किस्सा शुरू। ओह गॉड, चलो सर जरा तस्वीरें देखते हैं। कुछ थोड़ी सी मतलब she was a little bit of a tomboy ना? She was a tomboy। क्योंकि वो जिस तरह के अंदाज से जो अपनी गर्दन टेढ़ी करके मुंह बना रही थी। एक दिन जो ये हम अक्सर खेलते रहते थे घर पे, तो टेबल के गोल गोल भाग रहे थे हम, और एक कहती जोर से भागो दीदी, जोर से भागो, तो और जोर से भागी मैं और स्लिप होके गिर गई और मेरे दो दांत टूट गए सामने। उस टाइम पे हमें पता नहीं था कि दांत वापस नहीं आते, तो मैं जो परमानेंट दांत थे उसके तो मम्मी पापा जब बाहर गए थे वापस आए तो वो बहुत प्राउडली गा के, देखो मेरे दांत गिर गए, टूट गए। तो पापा ने कहा, अरे बुद्धू वापस नहीं आने वाले फिर से। तो उसने मुझे कभी फॉरगिव नहीं किया जिंदगी में। आई होल्ड इट अगेंस्ट हर कि मेरे दो दांत टू फ्रंट टीथ। एक बात मैं जो है शेरिल से बात करने में भूल गया कि आमतौर से लारा नाम हिंदुस्तान में कम ही सुनाई देता है, तो ये नाम आपने रखा था या मिसेस दत्ता ने रखा था? आपका कहना सही है, लारा नाम जो है कम ही सुना है, लेकिन अराउंड दैट टाइम जब ये पैदा होने वाली थी तो हम दोनों को ही ये डॉक्टर जिवागो की मूवी का थीम सॉन्ग जो था हमें बहुत पसंद था दोनों को ही। तो हमने मन में सोच रखा था कि भाई चाहते तो हम लड़का हैं लेकिन अगर लड़की हुई तो नाम जरूर लारा रखेंगे, और लड़का हुआ तो जिवागो शायद रख देते, तो लारा हो गए। तो लारा हो गए। एक और शख्सियत है जो वैसे आपसे बहुत करीब है, इस वक्त आपसे थोड़ी दूर है, थोड़ी दूर से बात करना चाहती हैं। यहाँ देखते हैं उनकी बात। चिंस, दिस इज सैब्स हियर। बेबी, यू नो आई लव टू बी विद यू देयर टुडे, बट इट्स जस्ट नॉट बीन पॉसिबल फॉर मी टू कम। यू नो आई एम ऑलवेज देयर एंड विल ऑलवेज बी देयर फॉर यू, एंड इफ एवर यू नीड मी All you have to do is either call or just give a shout and I'm there. Bye, love you. ये आपकी सबसे बड़ी बहन है? जी हाँ। क्या करती हैं आप? बैंगलोर में है, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में है। और इनसे आपकी ज्यादा दोस्ती रही या शेरिल से ज्यादा दोस्ती? नहीं, इनसे मेरी बहुत लड़ाई होती थी पहले एक्चुअली, क्योंकि मैं सबसे बड़ी थी। उनको देख के लगता नहीं कि आप जीत सकती हैं? नहीं, वो भी प्रॉब्लम था। लेकिन वो मुझसे 10 साल बड़ी है और वो बहुत लंबी थी और मैं इतनी सी पिटकूट सी जैसी थी, तो मेरा मेरा एक ही डिफेंस था कि जंप करके मैं उसके बाल पकड़ लेती थी और फिर ऐसे लटकते हुए उसको सारा घर ऐसे ही ड्रैग करती थी। एंड शी यूज्ड टू रियली बीट मी अप। उसने मुझे बाथरूम में बंद किया अंधेरे में, ये वो मम्मी से शिकायत करती थी, तो उसकी और मेरी बहुत लड़ाई होती थी। और फिर ये चुपचाप बेचारी, ये बहुत सोबर थी, तो ये आकर थोड़ा सा पीस बनाती थी कि यू नो यो बड़ी है छोटी है। तो दोनों बहनों का मेरे साथ बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप हुआ। नेचुरली एक के बाल नोचती थी, एक के दांत तोड़ती थी, तो उनका तो आपके लिए तो बहुत ही अच्छा था। वैसे शेरिल के लिए और सबरीना के लिए कैसे था ये हमको पता नहीं। दत्ता साहब, आपसे एक पर्सनल रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आइए। जो मैं नहीं कर सकता सर, मेरी भी बात ज़रा कम ही मानते हैं क्योंकि घर की मुर्गी हो गया हूँ, तो ज़रा दाल भरा हूँ सर। कैमरे को देख के ज़रा एक वाव कर दीजिए, एक ब्रेक लेना मुझे। जीना इसी का नाम है। मैं बातें हो रही हैं लारा दत्ता से। लारा, जब आप स्कूल में थी जी, होनहार बच्ची थी। मैं एक और होनहार बच्ची को बुलाना चाहता हूँ जो इनके बारे में कुछ बहुत मजे की बातें हो। प्लीज तशरीफ लाइए। आइए। एक और बहुत होनहार बच्ची इसी स्कूल की, लारा की दोस्त, आइए 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 आइए।
लारा आप भी, आप करीब आ जाइए जी, और जरा इनका परिचय जरा हमारे दोस्तों से करवाइए। जी ये मेरी दोस्त शोशी है, शोशी को हम तितली के नाम से जानते हैं। क्लास के बाहर उड़ती रहती थी। बिल्कुल नहीं, तितली एक्चुअली मेरे घर के सामने रहा करती थी बैंगलोर में, और मैं इसे आई थिंक ये 3 साल की थी जब से मैं इसको जानती हूँ, और मेरी छोटी बहन जैसे है। अच्छा। और हमारी मुलाकात जब पहली बार हुई तो मैं बड़ी बॉस थी, और ये छोटी पता नहीं कहाँ से आ गई, पतली सी छोटी सी, और उस मैंने उसे देखा और कहा तो उसने कहा मैं आपके गैंग ज्वाइन करना चाहती हूँ, और मैंने कहा अच्छा ये करना है वो करना है। आप गैंग भी चलाती थी। धीरे धीरे एक राज ये खुल रहा है कि आपके दोस्त जो हैं, आपकी बहन वहन तो बेचारी मोहब्बत में बर्दाश्त करती, लेकिन आपके दोस्त आपसे कितना डरते थे, ये क्या है? जी नहीं, एक्चुअली नहीं, ये सच की बात है कि, और तितली भी इसकी यू नो कंफर्म कर सकती है कि मैंने इसको ड्रेसिंग वेसिंग सिखाया, मैंने इसकी हिंदी ट्यूशंस दी मैंने इसे। हाँ बिल्कुल। और आपको इन्होंने हिंदी ट्यूशन दी? अच्छा, आप इसके बाद आप शो में सिर्फ हिंदी में बोलेंगे? यस मत बोलिए। जी हाँ सरकार हुजूर। जी हाँ। अच्छा तो ये उम्र में आपसे थोड़ी बड़ी हैं, और हाइट में तो जरा सी बड़ी है। जरा, वेरी मच। अच्छा इधर खड़े हो जाइए तो पता चल जाए। वेरी गुड, या या, नाउ स्टे, कीप स्टैंडिंग, या कम हियर। देयर वाज वंस वी हैड दिस प्ले कॉल्ड स्नो व्हाइट एंड सेवन ड्वार्फ्स। स्नो व्हाइट एंड सेवन ड्वार्फ्स। एंड शी हैपिली ग्रैब्ड द रोल ऑफ स्नो व्हाइट, देयर वाज नो ऑडिशंस, शी जस्ट टुक इट, एंड शी मेड मी द ड्वार्फ ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ माय हाइट, एंड शी जस्ट हैपिली ग्रैब्ड द रोल। एक और दोस्त है आपकी जो और ऐसी स्नो व्हाइट टाइप की और दो चार बातें हमको बताने वाली है, मैं उनको जरा बुलाता हूँ, फिर हम मिलके घेरते हैं लारा को। आइए प्लीज तशरीफ लाइए। आइए आइए। नहीं 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 नहीं, तितली स्टे हियर, स्टे हियर, प्रोटेक्ट हर फ्रॉम स्नो व्हाइट। अच्छा लारा आप इनका परिचय कराएं जरा। जी ये मेरी दोस्त है टैनिया, टैनिया और मैं 11th स्टैंडर्ड में मिले। मतलब जो आप कहती हैं वो ये करती हैं? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं, आप मेरे दोस्त मेरे गैंग हो और नेचुरली आप वही करते हो। नहीं नहीं बिल्कुल ऐसा है क्या टैनिया, शी लाइक मेक यू डू व्हाटएवर शी वांट्स? नो नो, राइट फ्रॉम स्कूल? नहीं नॉट एट ऑल, ये एक्चुअली बॉस थी। छोटी सी एक तस्वीरों की एक झलक आपको दिखाते हैं। Hello Lara, it's been a long time. Thinking back over the years, I recall searching for a piece for a senior to recite at the Interhouse Elocution Competition. And we came across Salome by Oscar Wilde, a very powerful speech. And you were chosen to recite it because you were so comfortable with it. It amazed me how within 48 hours, you had memorized the extract. There were certain lines in the extract where you were required to blush, and you would do it so naturally, the color would just creep up into your face. Yes, Salome, Princess of Judea, went on to become Lara, Princess of the Universe. हिंदुस्तान की एक बहुत बेहद मशहूर और बहुत काबिल और बड़े भले इंसान भी हैं, डायरेक्टर हैं, ऋषिकेश मुखर्जी साहब, उनके साथ इत्तेफाक से काम करने का मुझे भी मौका मिला। वो हमेशा कहते थे पता है कि आजकल फारूक हीरो हीरोइंस में क्या मसला हो गया है, यू कांट फाइंड अ सिंगल हीरोइन हु कैन डू अ सीन वेयर शी हैज़ टू ब्लश। वेलकम बैक, लारा दत्ता से मुलाकात हो रही है। मैं दावत देता हूँ जरा शेरिल को कि यहाँ तशरीफ लाएं। मैंने सुना है कि इनकी मॉडलिंग के जो करियर शुरू हुई उसमें आपने काफ़ी सहयोग दिया और आपका काफ़ी योगदान था, आपने इनको तस्वीरें खींचने में मदद की। हमने योगदान किया क्योंकि लारा को कोई प्रोफेशनल फोटोग्राफ मतलब फोटोज़ वगैरह नहीं थे उसके, तो हमने कहा चलो आपके प्रोफेशनल फोटोग्राफ्स लेते हैं। तो भी मैं और एक मेरी दोस्त थी अच्छी, विजयश्री नाम, और उसको हमने कहा कि हम आपका मेकअप करेंगे, बहुत अच्छी लगोगी। तो हमने उसको बिठा के एकदम उसका मतलब मैंने सोचा था हमने बहुत अच्छा मेकअप किया है। फोटोग्राफर था, ही सेड तुम फोटोग्राफी ले आई हो? अच्छा, इसे ये तो नहीं चलेगा। इट वाज एट ग्लैडरैक सुपर मॉडल शो। अच्छा, सो ही सेड शी विल नेवर विन इट लाइक दिस, सो इसका कुछ करो।
So then he got her done up and took a uske photographs liye. Obviously bahut sare offers wagera aane lage honge and aapko Bombay kya phir to Hindustan ke bahar bhi jana pada hoga. Winners ko ek ticket mila London aur New York. तो मेरे लिए तो ये सबसे बड़ी बात थी कि मैं लंदन और न्यूयॉर्क जा रही हूँ. और पापा बहुत डरे हुए थे कि उनकी 16-17 साल की लड़की अकेले किसी दूसरे लड़के के साथ, वो भी क्योंकि लड़का उनका सुपर मॉडल ग्लैडरेक्स का विनर था, वो तो कौन था? उसके साथ डिनो मौर्या. और डिनो का तो बॉडी शॉट ही था सब, और बड़े बड़े लंबे बाल थे, यू नो, तो ही लुक्ड लाइक वन ऑफ दोज फुल ऑन मॉडल टाइप हंक्स. तो पापा वाज अ लिटिल वरिड कि मेरी बच्ची कहाँ जा रही है इसके साथ. ये डीनो ने अच्छा नहीं कहा, हाँ जैसी बोली. क्यों क्या सर? अरे भाई इधर आना जरा डीनो. Papa was worried. And that you are looking like a hunk and a frightening young girl, yeah? How are you? Sure, sir. Kya khabar hai bhai? Aiye, tashreef rahiye. Ek chhota sa tohfa leke aaya hai maine. Aap tohfa leke aaye? Ji, please. Le sakta hu main? Haan, zarur. Tohfa laaye hain, you know. A little gift for you, Lara. Ji. Jo ek kissa main aapko sunana chahta hu. Ji. Jo abhi bhi meri yaad mein taaza hai. Ji. Jaisa Lara ne kaha, hum log do tickets jeet gaye the. इंग्लैंड और अमेरिका जाने के लिए हम लोग गए. नाउ टू कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, अब्रॉड वैसे बहुत सारे दुकानें हैं, शॉपिंग मॉल्स वगैरह वगैरह. वी गॉट सो एक्साइटेड शॉपिंग ये वो, तो हम लोग रोज़ शॉपिंग के लिए जा रहे थे. लारा यूज़ टू गो लुक इन ऑल द क्लोथ सेक्शन, लुक नाइसली ये वो, नॉट गेटिंग माई साइज. सो ओके, आज सेल्स वुमन, तो उसने पूछा सेल्स वुमन को, मैडम यू नो दिस जीन्स दिस टी शर्ट सो नाइस, नॉट गेटिंग माई साइज. तो वो सेल्स वुमन ने ऐसे देखी दारा को, यू हैव टू गो टू द चिल्ड्रन सेक्शन, यानी मतलब 10 साल के बच्चे जहाँ उनके कपड़े मिलते हैं वहाँ पे. सो आई स्टार्टेड लाफिंग एज़ इट दारा 10 इयर्स ओल्ड. तो आपका क्या ख्याल था कि वो अब भी यही पहनने वाली है? नहीं, मैंने सोचा लेकिन गलत हुआ. नाउ शी इज ग्रोन अप, बट यू कैन कीप दिस एनीवे. जब आप लोग पहली बार, आप तो पहली बार, पता नहीं डीनो पहली बार उसी वक्त हिंदुस्तान से बाहर गए थे, तो जब पहली बार आप दोनों बाहर गए तो वो एक्सपीरियंस कैसा था, वो लंदन न्यूयॉर्क घूमने, मतलब वो ह्यूज साइज के कपड़े खरीदने के अलावा? मैं अपने बुआ के साथ ठहरी हुई थी और मैं भी, डीनो भी, तो उसके पास मुझे याद है कि उसके स्नीकर्स या क्या केड्स नहीं थे, तो वो रोज डीनो के पास. लेकिन उसको एक्सरसाइज का बहुत बड़ा शौक था कि सुबह मैं उठकर कुछ एक्सरसाइज करूं, तो अपने बड़े बड़े मोटे डॉक मार्टिन बूट्स पहन के, शॉर्ट्स इतने छोटे छोटे पहन के मुझे उठाया करता था 7 बजे सुबह कि चलो लेट्स गो रनिंग, और भागते रहते थे. और जो भी लड़की मिली डॉक मार्टिन जूते, और जो भी लड़की मिली यहाँ से, मतलब वहां से डीनो उसके पीछे भाग रहा है. लारा बेचारी 17 साल की, आई डोंट नो क्या सोच रही है. तो आप विजुलाइज कर सकते हैं. और लड़की डॉक मार्टिन देखते ही फौरन हट जाती है, और वो तेज भागती है लड़की. जी जी. एक और साहब है जो उन दिनों से आपके बारे में जानते हैं और ऐसी मजे मजे की बातें जानते हैं कि मतलब मैं बुलाता हूँ फिर आप देखिए. आइए प्लीज तशरीफ लाइए. हाय, प्लीज कम. राजा जो हैं वैसे खुद बहुत अच्छे मॉडल हैं और मशहूर मॉडल हैं, लेकिन इनकी बेहतर तारीफ जो है वो लारा कर सकती हैं, क्योंकि लारा इनको उन दिनों से जानती हैं और ये लारा को उन दिनों से जानते हैं जब वो स्कूल यूनिफॉर्म में थी. तो आप राजा बताइए कि उन दिनों में ये कैसी थी जब ये स्कूल यूनिफॉर्म में थी? ये कहती तो थी मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, पर शी वॉज अ कट अबव द रेस्ट. और इसका एक चीज़ आप देखिए, जो भी कॉम्पिटिशन में गई है, ग्लैडरैग्स में गई, इसके बाद ये इंटरनेशनल पैजेंट में गई थ्रू ग्लैडरैग्स, वो भी जीती. देन शी वेंट फॉर मिस इंडिया, शी वॉन, एंड देन शी वेंट फॉर मिस यूनिवर्स, दैट ऑल्सो शी वॉन. सो शी हैज़न टिल डेट लॉस्ट अ कॉन्टेस्ट. वीडियोकॉन जीना इसी का नाम है कि ब्रेक के बाद हम लौटे हैं और लारा दत्ता से बात कर रहे हैं. ये सही है ना? बिल्कुल.
क्या है, यू हैव ऑल्सो वर्कड इन फिल्म्स एंड आर वेरी सक्सेसफुल, तो दोनों में एक चीज़ कॉमन है कि भाई आपको यू हैव टू परफॉर्म बिफोर अ कैमरा। पहले तो ये बताएं कि वो उस ज़माने में जब आप ये एड्स करती थी, एड फिल्म्स करती थी, जिसमें से बहुत सी आपकी हमने देखी कि कहीं आप पहाड़ पे चढ़ रही हैं, खुदा मालूम कहाँ कहाँ क्या क्या कर रही हैं, तो वो एक्सपीरियंस कैसा था? बहुत ही एक अच्छा अपॉर्चुनिटी था, जहाँ पे मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे मौका मिला कुछ करने का मौका। जी हाँ, झिझकता झेपता तो है। हाँ, एक्चुअली हमने इस एड कैंपेन को मालशेज घाट में शूट किया था, और मेरे इस एड फिल्म के डायरेक्टर थे मिस्टर कुणाल कपूर। तो कुणाल कपूर जी हाँ, तो हाँ जी, तो उन्होंने एक वीडियो का सेट पे मुझे एक क्लिफ दिखाया कि दिस इज़ द क्लिफ, आर यू स्कैर्ड? मैंने कहा नहीं, वर्टिगो शर्टिगो तो नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो हम पहुँचे मालशेज घाट, और फिर मैंने रियलिटी में क्लिफ देखा। तो मतलब ये रॉक क्लाइंबिंग वॉक क्लाइंबिंग की कोई क्लिफ नहीं थी, रॉक्स पे आप ऐसे पाव भी डालो तो ऐसे क्रम्बल हो रहे थे। और जो बॉडी डबल थी, उन्होंने देखा कि कुछ शॉर्ट्स या क्लाइंबर्स का आउटफिट पहनना है, तो उसने कहा कि मैं नहीं करने वाली। तो कुणाल आए मेरे पास और उन्होंने कहा कि तो बनाना है। हाँ बिल्कुल, डाटा और कहा कि लारा वी नीड टू डू दिस एड, यू नो, और विल यू वेयर ऐसा कुछ आप पहन के करोगे? तो मैंने कहा ठीक है चलो कर लेते हैं। एंड 6 दिन के लिए उन्होंने मुझे उस मालशेज घाट के क्लिफ से लटकाया, गिराया 100 फीट अप डाउन करके, फिर अपने घुटने और हाथे पर पीछे वो भी चलकर उन्होंने उतारा क्लिफ से। जालिम आदमी है, आपने क्यों किया ये सब? वो कहते हैं कि ऊपर खड़े होकर क्या बोलते थे? खड़े होकर यू कैन डू इट, यू कैन डू इट। फिर हाँ, मुझे याद भी है कि मैं रो रही थी, 6th day पर मुझसे नहीं हुआ, तो मैं रो रही थी और आधा बॉडी क्लिफ के नीचे था, आधा क्लिफ के ऊपर था, और मैं रो रही थी कि आई कांट डू दिस। और उन्होंने कहा कि वॉट एवर यू वांट मैं दे दूंगा, जहाँ से कुछ भी चाहिए मैं दे दूंगा, आइसक्रीम, चॉकलेट। उन्होंने कहा नहीं, मुझे चिप्स चाहिए। तो वो अभी तक मैंने चिप्स आज चिप्स ले गई। कुणाल आपकी इतनी तारीफ कर रही थी अभी लारा। कभी 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 लारा आइए आइए आइए, आप इनको पहचानती है ना? इनका नाम कुणाल कपूर है। जी हाँ। अच्छा, इनकी आवाज कैसी निकलती है जरा इनके सामने बताइएगा भाई। ये किसके लिए है? मेरे लिए। प्लास्टिक का फूल है और अंग्रेजी में लिखा, मेरी तो अंग्रेजी बहुत बुरी है, आप पढ़ लें प्लीज टीचर साहिबा। Yes, who? ये मुझसे क्या करें, आपके लिए किसी ने भेजा? कुछ कंफ्यूजन है ना? आप चिप्स मुझे दे दीजिए। जरूर हिंदी टीचर होगा, हिंदी टीचर मतलब इंग्लिश। अरे हिंदी टीचर जरा आई है, जिसकी अंग्रेजी की स्पेलिंग इतनी अच्छी है। आदाब आदाब आदाब, के लिए आइए आइए। अच्छा, ये रियल वाला है और वो नकली वाला था। आप केली से पहली बार कब मिली? केली से मेरी मुलाकात हुई पहले बार ग्लैडराइक सुपर मॉडल कॉन्टेस्ट के टाइम, बैंगलोर में नहीं, बॉम्बे में, और वो पिछले साल के विनर थे, तो उन्होंने मुझे क्राउन साफा जो भी था उन्होंने पहनवाया, और मैंने सोचा कि हाँ बहुत अच्छा शरीफ लड़का है ये वो, और हमारी दोस्ती हुई तब से, लेकिन आई थिंक अबाउट 3 या 4 साल गुजर गए और हम दोनों बिजी थे अपने करियर्स में। फिर से हमारी हमने मीटिंग हुई 5 साल पहले, और तब से हम दोस्त रहे। आई गेस यू कुड से इट्स समथिंग्स आर जस्ट मेंट टू बी, द प्लास्टिक फ्लावर एंड यस हु वाज। आपने जब दत्ता साहब से या मिसेस दत्ता से मिलाया, तो व्हाट डिड यू इंट्रोड्यूस केली साहब एज? आई थिंक मम्मी का तो पहले से ही इरादा था कि यू नो बहुत शरीफ, बहुत नेक, बहुत अच्छा लड़का है, और आई थिंक पापा ही हैव अ रियली गुड रैपो एंड रिलेशनशिप, एंड सो फार टच वुड सब ठीक है, सही सलामत। यू डोंट स्पॉइल इट प्लीज, इसी बात पे एक चिप खा लीजिए। थैंक यू।
वेलकम बैक वीडियोकॉन जीना इसी का नाम है और बातें हो रही हैं लारा से. लारा की ज़िंदगी का जो मॉडलिंग का जो हिस्सा है जिसमें बहुत जैसा मैंने जिक्र किया पहले कामयाबी के साथ शामिल होती रही हैं ये मॉडल्स की कतार में उसी दुनिया से जुड़ी हुई एक शख्सियत से मैं मिलाना चाहता हूँ. आइए प्लीज़ तशरीफ़ लाइए. ध्यान बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाएं. आइए आइए प्लीज़ कम यार. डियान का बाकायदा इंट्रोडक्शन जो है लारा कराएंगी क्योंकि डियान और लारा बहुत अच्छे और गहरे दोस्त हैं. तो प्लीज़ टेक ओवर लारा दत्ता. मैं चाहती हूँ कि मैं जब 30 या जितने भी साल हूँ और मेरे बच्चे छोटे छोटे कि आई वॉन्ट टू लुक लाइक डियान पांडे. सो शी वॉज ऑलमोस्ट लाइक द रोल मॉडल दैट आई वॉन्ट टू लुक लाइक. बिल्कुल बिल्कुल. चलिए उसको कुछ देखते हैं यार मिस यूनिवर्स के इनके जलवे. फारूक जी मुझे अभी तक याद है कि मेरी कॉन्टेस्ट साइप्रस में थी और मम्मी पापा और केली आए हुए थे लेकिन मिस यूनिवर्स कॉन्टेस्ट देख जी हाँ और मिस यूनिवर्स कॉन्टेस्ट और वो एक मोमेंट में आपकी सारी लाइफ बदल जाती है. और मुझे अभी तक याद है कि उन्होंने क्राउन लगाया स्लैश लगाया बल्ब्स कैमरा के मतलब ऑडियंस म्यूज़िक और पीछे से मुझे सुनाई दिया कि जितने सारे इंडियंस थे ऑडियंस में सारे खड़े होकर गाने लगे सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा. और मुझे अभी तक गूज़बम्स आते हैं वो यू नो थिंकिंग ऑफ दैट. इट वाज फॉर मी वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग मोमेंट्स. क्योंकि आपने न्यूयॉर्क और मिस यूनिवर्स की ज़माने की बात की तो एक आपके चाहने वाले हैं जो आपसे कुछ कहना चाहते थे वो यहाँ तो नहीं आ सके लेकिन यहाँ से कुछ कह रहे हैं. Por una mirada, el mundo. Por una sonrisa, el cielo. Ay, por un beso. Yo no sé qué te daría por un beso. Lara, I am so, so proud of you. It is such an honor for me to be doing this for you. And I want you to remember always how much I love you. You are one of my babies. And you always have a family and a home here in Lakeland, Florida. I love you, Lala, and I can't wait to see you. I miss you. बजाय इसके कि मैं इन साहिबा के बारे में कुछ कहूँ लारा बेहतर होगा कि आप बताएं. जी टेरी मार्टिनेज मेरी ट्रैवल मैनेजर थी उस एक साल में और टेरी स्पेनिश तो इसीलिए पहले उसने एक स्पेनिश पोएम सुनाया जो उसने मुझे सिखाया भी था उस साल में. एंड शी वो ऑलमोस्ट मम्मी बैठी है यहाँ पे लेकिन टेरी ऑलमोस्ट मेरे लिए एक सेकेंड मदर है. और आई रियली थिंक कि अगर एक वजह हो जहाँ पे क्योंकि जहाँ मैं मिस यूनिवर्स बनी तो वो ये हो कि टेरी और उनकी दूसरी एक है लिंडा उन दोनों से मिलने के लिए बिकॉज दे विल ऑलवेज बी द मोस्ट स्पेशल पीपल टू मी इन द वर्ल्ड. ये आपकी पहली फिल्म जो थी जी अंदाज जी हाँ अभी आपने जिक्र किया कि आपको वहाँ मालूम हो गया था कि आप अंदाज फिल्म करने वाली हैं इसलिए जो है आपने बेतहाशा दौड़ना शुरू कर दिया. तो ये आपको कैसे ऑफर हुई बिकॉज यू वर इन न्यूयॉर्क जी हाँ और जनाब जो अंदाज बना रहे थे जी. वो तो हिंदुस्तान में रहे होंगे जी हाँ. तो उन्होंने क्या आपकी स्पीच सुनी मिस यूनिवर्स के बाद ये क्या नहीं एक्चुअली और अक्षय और मैंने एक आई थिंक फिल्म फेयर के लिए एक कवर शूट किया था और सुनील दर्शन जी जो अंदाज के प्रोड्यूसर हैं वो चाहते थे कि वो एक नई आर्टिस्ट को कास्ट करे अंदाज के लिए. तो मैं बेंगलोर में थी पापा मम्मी के साथ और अक्षय का फ़ोन आया. उन्होंने कहा कि लारा सुनील जी एक नई आर्टिस्ट को लेना चाहते हैं. कैन यू कम बैक राइट नाउ एंड लिसन टू द स्क्रिप्ट. तो मैं वापस आई और सुनील जी के ऑफिस में राजकमल जी भी आए और उन्होंने मुझे स्क्रिप्ट सुनाया. और तब से अभी तक मैंने बहुत सारी स्क्रिप्ट सुने हैं लेकिन राज जी ने जो नरेशन दी वैसा कभी नहीं सुना मैंने अभी तक. बिकॉज इट वॉज अमेजिंग. उन्होंने गाना गा के सारी जो साउंड ट्रैक है पीछे की बैकग्राउंड स्कोर सारी सुना ली उन्होंने. तो अब राज जी को बुलाते हैं और देखते हैं कि वो क्या कहते हैं. राज जी तशरीफ लाइए. आराम आराम
अभी हम आपके कहानी सुनाने की कहानी सुन रहे थे. ओके. व्हेन डिड यू फर्स्ट सी लारा एंड व्हाट मेड यू डिसाइड कि मैं लारा को कास्ट करना चाहता हूँ? मैंने लारा का एक प्रेस फोटो देखा था एक मैगजीन में. तो उस टाइम पे मैं ये फिल्म लिख रहा था अंदाज, तो बात आई गई हो गई, सब्जेक्ट पूरा मुकम्मल हुआ. बार बार हॉन्ट करता रहा इसका फेस. तो पूरी जब मैंने टीम को बताया कि लारा को लेना चाहिए इस फिल्म में, तो बोले कि नहीं, शी इज़ मॉडल, पहले भी उसको बोला हुआ है, शायद नहीं करना चाहती या ऑकवर्ड होगी फिल्मों में काम करने के लिए. तो मैंने कहा एक बार अप्रोच करना चाहिए. ठीक, अप्रोच किया, इसको बुलाया. एंड जब आपने बाकायदा काम शुरू किया, शूटिंग शुरू किया, तो कैसी लड़की जो पहले इस किस्म का मीडियम कभी टैकल नहीं कर चुकी हैं, तो हाउ डिड यू फाइंड वर्किंग विद लारा? सबसे अच्छी बात इसकी थी ये ऑनेस्ट थी काम के लिए, और मेहनती और सिंपल थी. इसने भी सीखा काम करते करते करते, और मैंने भी सीखा इसके साथ कि चलो इस तरह से भी, इस तरह से कैसे काम करवाए. आर यू प्लानिंग टू रिपीट बच्चा अगेन? व्हाई नॉट. बट घर का जब शख्स अच्छा काम करता है तो बेहतरीन काम करता है मैं कहूँगा, तो उसको क्यों नहीं रिपीट किया जाएगा 100%. इनकी एक और साथी भी है ना, वो दूसरी मुर्गी के बारे में कुछ यहाँ से कहना चाहती है. हाय लारप्पा जी, आई एम जस्ट वन मिस इंडिया एंड आई रिमेंबर यू हैड कम इनटू आवर रूम टू गेट रेडी वंस एंड आई हैड नो क्लू अबाउट व्हाट टू वेयर एंड वी वर गोइंग फॉर सम शो and I didn't know how to do makeup and I remember you telling me that Priyanka you should wear this kind of an outfit for this kind of a function and I've always respected you for that. I've always felt that you did not think of yourself to be too big, too competitive even to a person like me. I was just starting out and I would like to thank you for that since I have an opportunity now. Yeah. Why you call Lara Paji? Lara Paji तो एक्चुअली मेरा दिया हुआ नाम है इसको, कि मुझे आज भी याद है कि फर्स्ट डे था सॉन्ग पिक्चराइजेशन का, तो उसकी रिहर्सल थी. तो सडनली मैंने देखा कि लारा आ रही है और लेकर जैसे गांव का कोई पाजी नहीं आता हमारे पंजाब का, तो मैंने कहा लारा पाजी, तो कहती व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पाजी, मैंने कहा पाजी मीन भाई. तो वो एक ऐसा सिस्टम शुरू हुआ कि यूनिट में हर आदमी इसको फिर लारा पाजी कहने लग पड़ा. इन्होंने एक और बहुत खूबसूरत फिल्म की है जिसका नाम अपने शहर के नाम से जुड़ा हुआ है, मुंबई से आया मेरा दोस्त. मुंबई से आया है आपका एक दोस्त, मैं उससे आपको मिलवाना चाहता हूँ. आइए सर. आदाब आदाब अपूर्व साहब, आइए. So this is the album of the entire film from the first day Lara came for her dress rehearsal. और ये सर हमारी स्क्रिप्ट है जो पूरे यूनिट ने पाजी के लिए साइन की है. Thank you. मुबारक जी पाजी, मुबारक. So enjoy. लारा जी के साथ, मैं जी क्यों बोल रहा हूँ, लारा के साथ काम करने का तजुर्बा कैसा रहा पूर्व साहब? सर इट वॉज फैंटेस्टिक. ट्रूली मेरी तो फर्स्ट पिक्चर थी. इफ़ आई डेंट हैव लारा एंड अभिषेक इन माई फिल्म देन इट वुड हैव बीन अ टोटली डिफरेंट एक्सपीरियंस. बट आई थिंक गॉड जस्ट मेड इट राइट बाय सेंडिंग, मेकिंग मी मीट लारा एंड अभिषेक एंड मेकिंग मुंबई से आया मेरा दोस्त हैपन. इट वॉज ट्रूली अमेजिंग, देयर वर नो प्रॉब्लम्स. एक सवाल जो जहन में उभरता ये है कि इसमें लारा जो है गाँव की लड़की का रोल कर रही है. हाँ जी सर. अगर आपने लारा की वो मिस यूनिवर्स की तस्वीरें या वो कट क्लिपिंग्स देखी हैं या उनकी तस्वीरें मैगजीन में देखी हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं लगता कि ये गांव की लड़की है? सही. आपने कैसे सोचा कि यार ये लड़की को जो है मैं गांव की लड़की बना? सर क्योंकि जो लुक हमने डिसाइड किया था फिल्म के लिए वो आई जस्ट पिक्चर्ड लारा विथ दैट लुक, द विग एंड द कॉस्ट्यूम्स एंड स्टफ वी हैड डिजाइन, शी जस्ट फिट परफेक्टली. शी वॉज वेरी नाइस, शी केम फॉर 2-3 मेकअप एंड कॉस्ट्यूम टेस्ट, फिर स्क्रिप्ट रीडिंग के लिए आई थी वो, एंड शी वॉज जस्ट गिविंग इट 100% इवन बिफोर वी स्टार्टेड. इफ गिवन अ चांस आई वुड मेक अ लारा क्रॉफ्ट विथ लारा, बिकॉज शी इज फैंटास्टिक इन एक्शन, माइंड ब्लोइंग.
Why are you so famous for beating up people? आइए आइए जी, इनका कुछ एक और खूबसूरत किस्म का एक्शन भी तो जिंदगी में होगा. आप तशरीफ लाएं, उसके बारे में हमको बताएं. बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए. आइए. वीरू साहब को सब लोग चेहरे से भी जानते हैं और वीरू साहब का जो जो उनकी जो शोहरत है बतौर डांस गुरु के, उससे भी लोग वाकिफ़ हैं. वीरू साहब बहसियत स्टूडेंट के कैसी रही हैं लारा? फर्स्ट क्लास. बहुत मेहनत से काम कर बहुत है. क्योंकि बचपन में भरतनाट्यम सीखी हुई है, क्लासिकल बेस है और रिधम है, तो कथक पकड़ने में प्रॉब्लम नहीं हुआ. इट्स अ मेजर कॉम्प्लीमेंट के गुरुजी सेइंग दिस अबाउट यू. एक आई थिंक आज गुरुजी मेरे लिए मम्मी पापा और फैमिली के अलावा गुरुजी मेरे लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पर्सन बन गए, क्योंकि मैं रोज़ सुबह उठती हूँ और सुबह सुबह 7-7:30 बजे जो पहला चेहरा मैं देखती हूँ दिन में वो गुरुजी का है. और मेरे लिए तबला और घुंघरू और गुरुजी की जो आवाज़ है और जो शिक्षा वो मुझे देते हैं डांस के द्वारा, मेरे लिए सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ बन गई है आज. तो गुरुजी आप तशरीफ, अलहोल आप तशरीफ. एक और बड़ी आदरणीय शख्सियत है आपकी ज़िंदगी की, और मैं चाहता हूं कि जिस तरह गुरुजी से आप बहुत आदर से पेश आती हैं, मुझे यकीन है उनके साथ भी पेश आती हैं, वो आपसे कुछ कहना भी चाहती हैं, तो मैं वो यहाँ से आप सुनिए वो क्या कहती हैं. लारा बेटे, तुम जिस तरह से पग पग प्रगति की ओर बढ़ रही हो, अपनी मंजिल को प्राप्त कर रही हो, उसे देखते हुए मुझे बहुत प्रसन्नता होती है. बेटा इसी तरह से जीतती चली जाओ, आगे बढ़ती चली जाओ, कभी हार का मुँह ना देखना पड़े. लेकिन मेरी ये चार पंक्तियाँ अवश्य याद रखना कि जीत है उसके लिए जो हार से 100 बार खेले, तान कर सीना सदा जो हर विपद का वार झेले, राह की कठिनाइयों से डर कभी निज मुख न मोड़े, धार में मदमस्त अपनी नाव ठेले. उसी की जिंदगी है वही सफलता को प्राप्त करता है. इस ध्येय को लेकर चलोगी तो सदैव सफलता तुम्हारे चरण चूमेंगी. और अंत में बेटा मैं तुम्हारे लिए इतना ज़रूर कहना चाहूँगी कि चाहे कितनी भी कोई हसी है, चाहे कितनी भी कोई जही है, मेरी लारा के जैसी नहीं है, मेरी लारा के जैसी नहीं है. मेरा अपना जी चाहता था कि इसके बाद जो है हम और कुछ न कहें, लेकिन बहुत शुरू ही से एक फरमाइश आई है जिसको जो है मैं नकार नहीं सकता. और मैं केली साहब से भी रिक्वेस्ट करूँगा. केली, एक फरमाइश आई है यार, यू हैव टू हेल्प मी आउट इन दिस वन, कि मैंने सुना है कि आप तो खैर बेहद अच्छे डांसर ही हैं, लेकिन लारा भी जो है वो सालसा बहुत अच्छा करती हैं, तो गुरु जी की आज्ञा से हम आपको म्यूजिक भी देते हैं. और अचानक एक दिन शो चलते शो में मनोज आगे बढ़ा, उसने एक लड़की को पकड़ा जिसके साथ डांस करता था हमेशा, और उस लड़की ने बोला, जैसा मनोज ने मुझे बाद में बताया, कि सुनो हाथ मत लगाना प्लीज पापा आए. तो मैंने कहा आई नीड एन एक्टर हु इज फैंटास्टिक. तो अनुभव ने कहा एक नसीरुद्दीन शाह के टक्कर का एक्टर है, अभी फोन लगा. नसीर भाई सुन रहे हो कि नहीं? इट्स लाइक अ वोल्केनो व्हिच इज ऑल द टाइम बर्निंग.